चलेगा। डेफिनेट के बारे में हमने डिस्कशन तो स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है चलेगा। एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपको सिंपल इंटीग्रेशन ऐसे एफ एक्स प्लस सी दिखा रखा है या दे रखा है या कर रखा है आपने, तो जब डेफिनेट में जाएंगे तो लिमिट्स इन्वॉल्व हो जाती है। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा भी याद है, मैंने ऐसे बोला था कि कर्व है कोई, उसमें एरिया निकाल रहे हो, जैसे यहाँ ये ठीक है ना बेटा, ये एफ एक्स कर्व है, तो इसे भी आप इसी तरह से मेंशन करते हो। क्लियर है अपने को, दिख रहा है बेटा? यस सर। ये बताओ, पहले तो थोड़ा सा मुझे ये पूछना था, टॉपिक को लेकर के कल कुछ बातें हो रही थी, क्या ये ठीक चल रहा है अपना टॉपिक ट्वेल्थ के लिए? यस सर। नहीं कल जैसे कुछ शायद ऐसी बात आई थी कि स्कूल से थोड़ा अलग चल रहा है, तो इलेवेंथ के लिए था या ट्वेल्थ के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम है? वो तो इलेवेंथ था जी। से इलेवेंथ के लिए था। आपके लिए तो कोई इश्यू नहीं है बेटा इस चीज का? नो सर। क्योंकि अब ये तो आपके चल ही रहे हैं बोर्ड के, इसके बाद अपना मैं लूंगा एरिया वाला बाउंडेड रीजन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? सही है, ठीक चल रहा है। हाँ तो टेंथ को लेकर के, इलेवेंथ को लेकर के है, इलेवेंथ वाले बच्चों का मैटर है ना? यस सर, यस। उसमें भी अब 3D वगैरह ले लेंगे उनका, थोड़ा सा आपका 3D चलेगा 12th लेवल का, उनका 3D चलेगा 11th लेवल कॉनिक के बाद, ठीक है भाई? और yes, sir. उनको डिफरेंशियल लूंगा मैं, डेरिवेटिव लूंगा, लिमिट डेरिवेटिव, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें, सही है बेटा? यस सर। चलो तो क्या ये बात मेरे को क्लियर हो गई थी, कल हमने ऐसा डिस्कस किया था डेफिनेट के लिए? यस। अब ये देखिएगा एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत छोटा सा लिया गया है, ऐसे केस में पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, इस तरीके से एक पार्ट हो गया, फिर अपना ये ले लेते हैं प्लस में, फिर ये अपना 3x हो गया, क्या मैं समझ पा रहा हूं इतना? यस सर। फिर बेटा ये लिमिट्स को ले आइए आप, 1, 2, 1, 2, क्लियर है मुझे? फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाते रहें जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते रहेंगे फिर हम, ताकि जल्दी जल्दी। हो गया? यस सर। चलो आगे चलता हूं बेटा। वही बात यहां दिखाया गया, और ये मैंने अब इसको लिख दिया कि एरिया जो फंक्शन बाउंड करता है एक्स एक्सिस के साथ जनरली ए से बी के बीच, वो यहां इसको मेंशन किया गया है, थ्योरेटिकल वैल्यू इस तरह से, ओके? ये एरिया आपका कर्व जो वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, उसने जो एरिया बाउंड किया है उसको निकालते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रल इक्वेशन से, सही है बेटा? यस। Yes, चलो इसी में मैं कहता हूं कि y इक्वल टू साइन एक्स है अपना, और आप पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच का एरिया निकाल रहे हो साइन एक्स के लिए, ऐसे पाई बाई फोर पाई बाई, एक मिनट इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, अलग बना रहा हूं मैं, इधर साइन एक्स का ग्राफ है अपना, ये अपना पाई बाई टू, ये अपना पाई बाई फोर, तो ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे आप एरिया के लिए? इंटीग्रेशन पाई बाई फोर टू पाई बाई टू, वन बाई रूट टू। हाँ तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे, साइन एक्स लिखूं ना अभी तो बेटा मेरे बच्चों? यस। अब साइन एक्स का क्या होता है अपना, माइनस कॉस एक्स, यस, और अपना ऐसे यूज करोगे पाई बाई फोर पाई बाई टू, ठीक है, तो वन बाई रूट टू आया मेरे ख्याल में। यस सर, वन बाई रूट। Yes, sir. तो 1/√2 अपना एरिया आ गया, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो तो ये एरिया निकाल लो, चाहे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, दोनों का मीनिंग एक है, क्लियर? Yes, sir. चलो ले लो इसको स्क्रीनशॉट। Done, sir.
इसकी वर्किंग क्या है, किसी भी डेफिनेट के इंटीग्रेशन की वर्किंग क्या होती है, आपको सिंपली या तो प्रॉपर्टी का गेम है, अभी आगे आएंगी वो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं, फिर उस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे काफी अच्छे अच्छे तो मैं यहाँ कह रहा था कि जब ऐसे कोई भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है तो पहले आप जनरल इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस नीचे वाली और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एक ऐसे फंक्शन और उस फंक्शन में एफ बी एफ ए, फिर उनका डिफरेंस, ये एफ ए एफ बी का डिफरेंस है, तो ये अपना फॉर्मूला डायरेक्ट वाले। ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो। डन सर। क्या लिखा है मेरे पास? मेरे पास लिखा है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, देखो मान लो मेरे को ऐसे बोला था, ऐसे tan इनवर्स x को t ले ली, हाँ तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया ना मेरा t वाला। क्यों बेटा? यस सर। तो ये चीज वही है कि आप जिसे ऐसे t ले लोगे तो फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे डैश t डैश टाइप का, तो यहां यही फॉर्म कह रहा है कि भैया आप सब्स्टिट्यूशन कर दो और डिफरेंशिएट कर लो, क्या कर लो उसको, डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत है किसी को समझने में इस बात को मेरे बच्चों? नो सर। चलो जल्दी से देखते हैं। मैं ये सब चीजें जो तैयार करके ऐसे लाता हूँ ना, उसका रीजन ये भी होता है समय कम है, तो हमें मुझे लिखने का जो वक्त होगा वो मेरा कम लगेगा, मुझे लिखना नहीं है, मुझे आपको केवल एक्सप्लेन करना है फिर चीजों को, तो जो लिखने का समय है वो बचेगा, वरना मैं भी लिखूं फिर वो समझाऊं तो वक्त लगता है यार। ठीक है ना बेटा? यस यस। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज है, जो इंटीग्रेशन आपने नॉर्मल पढ़ते हैं हम इनडेफिनिट वाला, तो डेफिनेट और इनडेफिनिट में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि यहाँ ना बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं, बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी याद है सीधा आंसर मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनके प्रोसेस आपको याद रखने, स्टेप्स याद रखने ताकि दिमाग में कैलकुलेशन करके उसका आंसर सोच सको डायरेक्ट, और बहुत सारी प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है इसमें, पांच छह तो बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, बाकी थोड़ी सोचो चलती है कि अपने आप आ जाती है समझ में आ जाती है। उन प्रॉपर्टीज को रखोगे याद तो क्वेश्चन का देख करके चार या छह स्टेप पे, तीन या चार स्टेप पे भी कई बार आंसर बन जाता है, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे मैं बोलूंगा अभी दो तीन लगवाऊंगा कहूंगा ये चीज ऐसे है ना तो इसका आंसर ये है, तो वो आपको याद रखना हमेशा वही रहना है उसका आंसर, सही है, आंसर वही आएगा उसका ज्यादातर, बस एक बार लिमिट पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि लिमिट कहीं बदली हुई ना हो, क्वेश्चन की लिमिट अगर उस जैसे तो आंसर वो कुछ भी टाइप हो वही आंसर आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलो देखते हैं। देखो यहाँ एक फंक्शन है एफ एक्स, इसकी लिमिट ए से बी है और यहाँ पर लिख दिया अपना टी डी टी, तो ये कह रहा है कि अगर एक्स और टी को इंटरचेंज कर दूं मैं, क्या कर दूं, एक्स की जगह टी और टी की जगह एक्स, दोनों तरफ का सोच के चलूंगा मैं क्योंकि उससे लेफ्ट वाली चीज और लेफ्ट से राइट वाली चीज भी हो सकती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर एक्स और टी को मैं इंटरचेंज करके देखूं और ना लिमिट बदल रही हो और ना ही dt या dx करने से कोई फर्क पड़ रहा हो, तो दोनों फंक्शन का दोनों प्रोसेस का एक ही रूल है, दोनों को एक ही तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है बेटा? यस सर। x और t को रखने से ना लिमिट बदल रही हो, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है यस सर, तो उसमें एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है बहुत लेंथी वाला है और उससे दो तीन क्वेश्चन लगते हैं, ध्यान रखना तीन चार क्वेश्चन लगते हैं उससे, yes, sir, yes. और वो है जस्ट प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी खत्म होती है उसके बाद लास्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, पढ़ा? यस सर। मैं कह रहा हूँ याद कर लो उसको, उसका रिजल्ट याद कर लो माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है? yes, ऐसे करके है ना उसका, और कई जगह मिलता है पाई बाई टू लॉग वन बाई टू माइनस लॉग की प्रॉपर्टी में ले जाता है। yes, वो क्वेश्चन देखो उसका आंसर log sin x का आंसर, log cos x का आंसर, log sin 2x वाले का आंसर ऑलमोस्ट सेम से बनते जाते हैं। yes, तो एक याद है सारी चेन बन जाएगी उस। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें
dx upon 1 plus root 10 x 0 से pi by 2. देखना. Yes, sir. Yes, sir. और जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना 9.8 सॉरी 7.10 शायद 9.9 उसके 3-4 क्वेश्चन लगातार उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 टाइप के. यस सर पी वाला है पी 1 पी 2 पी 3 है ना प्रॉपर्टी तो यस सर हाँ वो चीजें आप अब हम तो ज्यादा किताबें ऐसी पढ़ नहीं पाते हैं देख नहीं पाते हैं लेकिन थोड़ा याद तो रहता है थॉट प्रोसेस तो वही है ना दिमाग को वहीं से चलता है 9 10 11 12 घूमता चला जाता है तो आप उन्हें पढ़ो उन्हें याद रखो उनके आंसर्स डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो ठीक है तो ये जो पावर वाला गेम है ना जैसे रूट 10 एक्स बोला मैं इसे आप रूट कोट एक्स समझ लो ये कई बार साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा जिसकी होल पावर अलग 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 एन हो सकती है n का मतलब 1 by 2 भी है n का मतलब 7 भी है n का मतलब 5 भी है n का मतलब q ठीक है यस सर तो आंसर सबका पाई बाई 4 देखो कितना बढ़िया आंसर यस सर तो मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते याद कर लो अब मान लो ऐसा कुछ आया ठीक है तो आपको सीधा याद रखना है पाई बाई 4 आंसर क्यों मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा लंबा जा रहा है ओके यस सर यस हां तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के तो टिप्स पे रखो चीजों चलो आगे बढ़ रहा हूं आगे देख रहा हूं मैं देखता हूं इस तरह से कि अगर आप एरिया ले रहे हैं ऐसे ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर मैं कहीं बी से ए की तरफ आ जाऊं तो मैंने तो माइनस कर दिया ओपोजिट डायरेक्शन ले लिया एक तरह से तो ये लिमिट जो है जब ए से बी और बी से ए करते हैं तो ये ओपोजिट लिमिट वाला हो जाता है अब इसका दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका यह है कि मैं पढ़ के आया हूं भाई एफ बी माइनस एफ ए ये पढ़ते हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या कहते हो yes, sir. अब इससे माइनस बाहर इससे जब माइनस बाहर होगा तो ये एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा yes, sir. और इसका मतलब है माइनस बाहर लेने का मतलब है कि इस बार आपका ए ऊपर और बी नीचे ए बी yes, yes, तो क्या कहते हो गई चेंज प्रॉपर्टी ए बी बी ए तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ओके अब एक ये केस है इस केस पे क्वेश्चन दूंगा मैं लास्ट में जाकर के प्रूव दैट शो दैट टाइप का बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी यार बिल्कुल एक मिनट नहीं लगेगा आपको आधा मिनट भी नहीं लगना उस क्वेश्चन करने में लेकिन ये प्रॉपर्टी से है ठीक है अब ये क्या कह रहा है वो समझे आपके पास एक एरिया निकालने के लिए आया यहां से यहां तक आपने ना एक बीच में एक पड़ाव जानते हैं यहां से देहरादून जाना है तो ऋषिकेश थोड़ा ठीक है है ना या हरिद्वार दो मिनट रुक ले हर की पैड़ी पे डाल लेते हैं वही समझो आप इतना पोर्शन एक पार्ट में आपने निकाल लिया और बेटा इससे आगे वाला अलग निकाल लिया और दोनों को ऐड कर क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है अब इस बात को ऐसे भी समझ लो कि ये ए थी ये बी थी और बीच में मैंने कोई सी पड़ाव ले तो मैं लिमिट कैसे लूंगा ए से सी और देन सी से बी तो वही चीज यहाँ देखो आप ध्यान से ये ए से बी है मेरे पास ए से बी है ना अपना तो मैंने एक सी पड़ाव बीच में बना लिया तो ओवरऑल रिजल्ट चाहे आप इससे एक बार में निकाल लें चाहे दो का ऐड करके निकाल लें ठीक है उतना ही पड़ेगा रिजल्ट सेम आए अब ये जरूरत कहां पड़ती है जरूरत पड़ती है ऐसी चीज की मॉडुलस वाला क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे उसमें इस चीज को ब्रेक करने में फायदा मिलता है yes, आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन है मिसलेनियस का है ना उसमें जब ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं तो उसमें उससे पहले एक क्वेश्चन है जीरो से समथिंग लिमिट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे टाइप देखना मॉडुलस में अलग अलग है ऐसे इस तरह से मॉडुलस एक्स माइनस वन ऐसे क्वेश्चंस प्रोसेस आप ध्यान रखो ये चीजें इसी से जाएंगी ओके चलो आगे बढ़ रहा हूँ अब ये क्वेश्चन देखिए ये आप कंसेप्ट देख रहे हैं नीचे नेक्स्ट वाला बेटा अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपको ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना है
बाकी जब एप्लीकेशन आते हैं अपने आप दिमाग सेट हो जाता है। अगर हमने पढ़ा हुआ है तो दिमाग जो है ना ऐसा है, ये एक कंप्यूटर तो है ही अपना, एक बार आपने डाटा डाल दिया तो वो कहीं ना कहीं सोचता जरूर है कि हाँ यार ऐसा कुछ था मेरे दिमाग, मुझे पता था ऐसा कुछ, और कोई हल्का सा हिंट दे दे उस टाइम तो पूरा ही बाहर निकाल देता है इन्फॉर्मेशन। चलो ये देखो, ये अपने पास जीरो से एलिमेंट है, ठीक है। अब ये a माइनस एक्स लिखा हुआ है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स, और एक जैसे ये लिखा हुआ है ना, देख रहे हो आप, ये लुक, लुक पे जाओ, लुक पे, ऐसी लुक में ये चीज बहुत काम आती है। मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा इस पे, बिल्कुल ये इसी टाइप, ये फिगर मतलब फिगर का इस टाइप की फॉर्म लिखी होगी, और उसमें ये प्रॉपर्टी आपको लगाने के लिए कहूंगा। मैं बोलूंगा बस इतना कि a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा, आप ध्यान रखो इस बात को, किसकी प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि लिमिट माइनस करने के लिए कह रहे हैं। सर ने क्या बोल दिया, सर ने कहा ऊपर की लिमिट माइनस एक्स लिख दो, जब मैं कहूँ ना a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ये याद रखना जीरो से a होगा तभी बोलूंगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल में ये कई जगह इस्तेमाल है, जैसे मैंने log sin x का बोला, कहा ना उस क्वेश्चन में यही है बेटा। दूसरा वो जो dx अपॉन 1 प्लस रूट टेन एक्स बोल रहा हूँ, या cot x, या sin अपॉन sin प्लस cos टाइप बोल रहा हूँ, उनमें यही प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। yes, एक बेटा ये a भी है, यहाँ पर जीरो से a था, देख रहे हो आप जीरो से a, yes, sir. Yes, sir. और यहाँ है a से b, a से b, तो जैसे इन दोनों का सम करोगे तो ये a ही तो बैठा बेटा, yes, sir. इसीलिए आपने a माइनस x यूज किया, yes. लेकिन यहाँ a प्लस b है क्योंकि दोनों a प्लस b माइनस x, yes, yes, sir. तो ये a प्लस b माइनस x, ऐसा भी क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, वो जो साइन कोस वाला बता रहा हूँ वो मैंने एक ऐसे भी डाला हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री लिमिट बोल करके, ठीक है। चले आगे, yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर इसका स्क्रीन शॉट ले लो बेटा प्रॉपर्टीज का। Done, sir. Done, वो सारी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो आगे आते हैं। अब ये थोड़ा समझे, ये कैसा गेम है, आपके पास एक सर्कल है, इसका एरिया पूछा मैंने, तो इधर तो अपना माइनस ए होगी लिमिट, इधर अपना प्लस ए हो जाएगा, क्या कहते हो? Yes, sir. तो मैं इसमें ऐसे भी तो सोच सकता हूँ कि मुझे ये निकालना है, सपोज है ना, तो मैं करूंगा माइनस ए से ए लिमिट ले लू पूरा, या एक का ट्वाइस कर दू भाई, या तो मैं यहां से यहां तक पूरा ही लिमिट ले लू एक बार में माइनस ए से प्लस, यस सर, या दो पीस बना दू, दो पार्ट बना दू, जीरो से ए और उसको ट्वाइस कर दू, क्लियर, ट्वाइस कर दू। तो यहाँ यही बात है, आप ऐसे फॉर्म दिया है उसे दो पार्ट में ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इवन ओड का गेम आ जाता है, याद है कितनों को याद है इवन ओड फंक्शंस, हमने पढ़े थे ऐसे, यस सर। अगर आपके पास माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स बनता है तो ये इवन है, even. और yes, अगर आपके पास माइनस एक्स रखने से माइनस आ जाता है तो ओड है। क्या मेरे बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। डाउट? नो सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ूं? यस सर। चलिएगा देखो ध्यान से, यहां पर जब ये इवन फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन, इवन, तो ये ऐसे करके ट्वाइस कर दिया जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स ट्वाइस होगा, और जब ओड फंक्शन होगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल, बहुत अच्छे से एग्जांपल लगवा रहा हूँ, ये मैंने कहा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और बेटा मैंने कह दिया ये तो साइन क्यूब एक्स है, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर जीरो, बस सोचना ही नहीं है, हो गया ओड फंक्शन। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी याद आंसर, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को, बस सीधा सा ओड फंक्शन है, माइनस ए से लिमिट दे रखी है, ओड फंक्शन है, आंसर जीरो, सोचना ही नहीं है बेटा, जीरो आएगा इस घंटे, ठीक है। यस सर। अब एक है आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी वाला,
ठीक है बेटा, अगर आप देखें तो ये ब्रेकिंग है इसकी, और इस ब्रेकिंग में गेम है। गेम क्या है कि अगर ये दोनों चीजें एक ही है तो ट्वाइस हो जाएगा, और कहीं ये ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी ले बैठा, जैसे जैसे कोस, कोस वाला होता है ना अपना कॉस, अगर ये जीरो से पाई लिमिट हो, कॉस एक्स डी एक्स है बेटा। अब दिमाग लगाओ, जीरो से पाई लिमिट है तो मैं तो टू इंटू पाई बाई टू कह दू क्या? यस यस जीरो से 180, मैं एक बीच में पड़ाव ले लेता हूँ 90 डिग्री पे। यस सर, क्या मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी में ये तो माइनस का हो गया, 180 माइनस थीटा कॉस माइनस में होता है। Yes. तो इसका आंसर जीरो। देखो क्या बढ़िया गेम है प्रॉपर्टी का, है ना? सर इस प्रॉपर्टी को एक बार और समझा दीजिए सर। हाँ, आपके पास, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, दिख रहा है क्लियर अब तो? यस सर। मान लो आपके पास जीरो से टू ए वाली टाइप की फॉर्म है, जीरो से टू ए टाइप, टू ए जैसे मैंने अभी इस फंक्शन के लिए मैंने लिखा था जीरो से पाई ले। अब आपके पास, आपके पास एक क्वेश्चन तो है जिसमें साइन एक्स है, और इसी में मैंने एक और अपना लगाया कॉस एक्स। ये प्रॉपर्टी क्लियर करा देंगे ना यही मेरे को। अब देखो, अगर ये चीजें दोनों लब तोड़ू है और उसमें ये वाला पार्ट फंक्शन आ जाता है, जैसे इसमें लगाओ पाई माइनस एक्स साइन के लिए क्या होता है, साइन एक्स। यस सर। तो ये तो यही रहेगा पहले वाला। यस सर। यस सर। तो ऐसे केस में ट्वाइस कर दोगे ऐसे, देखो ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई बाई टू। यस सर। साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसका तो आंसर इजीली निकल जाएगा, वन का टू हो जाएगा टोटल, है ना, टू आ गया। यस सर। अब आता हूं मैं इस पे, जब मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाता हूँ पाई माइनस एक्स लिखता हूँ कोस के साथ, तो बेटा ये तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है मेरा। यस सर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है तो जीरो, तो इसका आंसर भी बेटा इसके अकॉर्डिंग जीरो लिख दोगे सीधा। यस सर। अब क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। थोड़ा लिख रहे हैं। हाँ कर लो, स्क्रीनशॉट बना लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां ये आपको डिफरेंशिएट फॉर्म लिखा दिख रहा है? यस सर। बेटा ऐसा एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइन एक्स करके, तो ये प्रॉपर्टी उसी को लेकर के है, ये जो प्रॉपर्टी है उसी को लेकर के, कि जब आप ऐसे डिफरेंशिएट करो ना, तो ये जो ये वैल्यू देख रहे हो आप, ये इनको रखोगे, और अब देखो मैं माइनस भी लगा रहा हूं, मैं पूरा यूज कर रहा हूं, मैं ये ऐसे लिखूंगा एफ सॉरी जी ए, उस दिन याद है मैं लिखता लिखता रुक गया था। yes. मैंने कहा था ये बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो, ये वाली कह रहा था मैं। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूं कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऐसी फॉर्म का, तो इसमें आप ऊपर वाली वैल्यू यहां रखोगे टी के प्लेस पे, और साथ में इसका डिफरेंशिएशन करोगे अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। क्लियर? यस सर। और बेटा फिर क्या करोगे, ये लोअर लिमिट रखोगे टी के प्लेस पे, जैसा कि मैंने जी ए लिखा, जी ए की जगह मुझे ये एफ ए लिखना चाहिए ना। yes, तो बाहर एफ है ना, ये बाहर एफ है बेटा, तो एफ ए और साथ में ए का डेरिवेटिव। अब ए तो कांस्टेंट है, क्या है मेरा, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ,
जीरो जीरो इसका मतलब ये चीज खत्म। यस यस सर। लेकिन सोचो अगर ये ऐसे होता कि ये पी एक्स होता, ये जी एक्स होता, ये एफ टी डी टी होता। उस दिन मैं ऐसी बात लिख रहा था और मैंने कहा था कि इसे बाद में ही समझाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत उस समय नहीं थी। यस सर। आ गया याद कुछ मेरे बच्चों को? एफ पी एक्स पी डैश। तो इसको कैसे करोगे? इसको लिखोगे एफ जी एक्स माइनस। अब लोअर वाला गेम एफ पी एक्स पी एक्स पी डैश एक्स बेटा बहुत जबरदस्त लेवल की प्रॉपर्टी है। इस पे भी क्वेश्चंस हैं, लगाओ जरा इसको भी। हो गया मेरे बच्चों का? यस सर। अब देखो इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म ये रहा वो जो मैंने अभी नीचे लिखा। हो गया? यस सर। चलो अब एक नीचे प्रॉपर्टी देख रहे होगे आप मेरे बच्चों। ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी आ गई ना अब आपके पास एक ये देख रहे हो ये, इसे पढ़ो जरा एक बार ध्यान से। पढ़ो इसको ध्यान से क्योंकि इसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको गेम बड़ा प्योर प्रॉपर है और क्वेश्चन है इस पे बेटा। मेंस लेवल में कह रहा हूं क्वेश्चन हो सकता है इसी पे ना जाए इस बार। सर कौन सा? ये प्रॉपर्टी a टू a प्लस t। ये और ये प्रॉपर्टी। यस सर। देख रहे हो दोनों को? यस सर। जरा सोचो पहले इसको फिर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सोचो। अभी अभी आप एक बार पहले इसे दिमाग लगाओ। इसे मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूं इसलिए पहले समझाना चाह रहा हूं। आपको अभी याद है मैंने बोला कि सपोज जीरो से पाई, अपना ध्यान दो, साइन एक्स डी एक्स। यस सर। यस सर। यस सर। लिमिट पाई बाय 2 इनटू पाई बाय 2 बोल दिया ऐसे। यस सर। यस सर। यस सर। ये 2 आगे ले आया ना मैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये यही तो है मेरे बच्चों की एन टाइम है किसी का तो एन बार आ गया। yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. तो ये किस लिए बताया था मैंने? ये मैंने बताया था कि साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है। yes, sir. आप जीरो से पाई जा रहे हो। yes, पाई फोर पाई टू पाई। yes, sir. टू पाई ले लो, क्या परेशानी है, टू पाई पे पहुंच जाओ। yes, sir. अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसे जीरो से नाइनटी पे ले जाऊं ये, और ऐसे ही ध्यान से सुनना, ऐसे ही चार पीस नहीं बना लूंगा फिर मैं ये। यस सर। तो मैं ऐसा ना करूं कि जीरो से अगर ये टू पाई है तो फोर टाइम ऑफ जीरो से पाई बाय टू लिख लोगे। यस सर। तो बेटा ये यही बात है, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब आता हूं मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी, और मैं कह रहा था कि बेटा मेंस लेवल तो ये समझ लो ये क्वेश्चन बस इस ये प्रॉपर्टी आ भी सकता है क्योंकि पास्ट में जब AIEEE वगैरह हुआ करते थे तब पुराने समय में कई बार क्वेश्चन मिले हैं इसमें, तो एक बार ध्यान देते हैं। ये कह रहा है ऐसे, और इस पे मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ इसलिए बता रहा हूं। आप ये देखिएगा कि जब ऐसे पीरियोडिक फॉर्म होगी ए दोनों से में, ध्यान रखना, मतलब yes, sir. आप yes, sir. ऐसे जाओ, ऐसे जाओ कि नीचे भी पाई बाय टू और ऊपर पाई है, ऐसे समझ लो। yes, sir. ठीक है? तो आप yes, इसे जीरो से पाई बाय टू भी ले सकते हो, ये ऐसे समझो। आप ये क्वेश्चन समझो कि जीरो से पाई बाय टू की वही बात है जो जीरो से जो पाई बाय टू से पाई के लिए, सेम आंसर। समझ रहे हो क्वेश्चन को? यस सर। तो ऐसे केस में ये जो ए है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखो डायरेक्ट। यस सर। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना के फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ गई तो मुझे क्वेश्चंस लगवाने में देर नहीं लगेगी, बस प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाए बस मेरे को। मैं कह रहा हूँ ये साइन एक्स का ग्राफ है। मैं क्या करता हूं कि इसको मैं पूछ रहा था आपसे इतनी वैल्यू, पाई बाय टू से पाई पूछ रहा हूं, तो मैं इस चीज को ऐसे ना मानू, ऐसे कि जीरो ये पाई बाई टू से
पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू नहीं कह रहा क्या मैं इसको, इसका मतलब? यस यस सर। अब ये चीज ए सेम है जैसा कि यहाँ ए देख रहे हो आप, यस सर, पाई बाय टू, तो मैं ए एलिमिनेट करके जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स ना निकाल लू भाई, जीरो, यस सर, तो रिजल्ट क्लियर, यस सर। चलिएगा आगे बढ़ू, यस सर, चलो स्क्रीन शॉट लो इसका ताकि फिर आगे की चीजें एक्सप्लेन, एक मिनट बस सर, पहले ही ले लिया सर, क्या हुआ बेटा? सर ले लिया था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला वाला देखो, मान लो m और n किसी इंटरवल में, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि ये भाई 5 है और ये 15 है, इसके बीच में mn दो वैल्यू है, कोई भी दो mn वैल्यू है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, किसकी? फंक्शन की, ये सब। तो अगर उसका इंटीग्रेशन उस लिमिट में पूछा जाए a से b के बीच ऐसे, तो ध्यान रखना m टाइम ऑफ b माइनस है, b माइनस का मतलब a और b की लिमिट का डिफरेंस, ये सब, और n टाइम ऑफ अपर लिमिट b माइनस है, फंक्शन का इंटीग्रेशन इन दो मैक्सिमम मिनिमम पार्ट्स के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है? रिपीट, आपको पूछा गया a से b के बीच लिमिट है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन की m n टाइप की है, m मिनिमम है n मैक्सिमम है, तो जो फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा ना a से b उस लिमिट पर, वो m टाइम ऑफ a b माइनस a और n टाइम ऑफ a b माइनस a के बीच में ही कहीं आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा जाना नहीं है ना उस फंक्शन को, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, यस सर। और अगर ये इक्वालिटी हो, इक्वल वाले सेम, तो उस केस में एम एन सेम होने चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल होंगे इस केस में, अगर ये इक्वल के साइन होल्ड होते हैं, और अगर ये लेस देन हो ऐसे एम एन ऐसी की कंडीशन हो तो वो भी यहां भी वो ही फॉलो होंगे, ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे चलता हूं, आगे चल रहा हूं बेटा। यहां पर ये थोड़ा सा थ्योरी में आ गया है, वैसे इसकी जरूरत जब पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, फिलहाल पर पढ़ लेते हैं, है ना, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, कल शायद सर की बातें भी आपने सुनूंगी, ज्यादा टिपिकल पे नहीं जाना, नहीं जाना ये सर, हाँ बहुत ज्यादा टफ पे नहीं जाना है, लेकिन हाँ कंसेप्ट आपको आने चाहिए, पूरी सिलेबस की चीजें आनी चाहिए। आप देखो एक फंक्शन है कंटिन्यूअस है, किसी भी इंटरवल में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, यस सर, यस सर, अब जब वो कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, यस सर, और ध्यान रखना कई बार रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है सब फंक्शंस का, रूट साइन एक्स है क्या, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स बेटा, उसका इंटीग्रेशन जो है ना इनडेफिनिट में नहीं होता है, Yes, तो एक बार को पॉसिबल है कि आपने कुछ भी ले लिया कांस्टेंट और उसपे नियर अबाउट जीरो है तो जीरो हो जाएगा या कोई कांस्टेंट आ जाएगा कोई भी नंबर, लेकिन जनरली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, नहीं, नहीं है। तो अब वो कंटिन्यूअस फंक्शन तो जा सकता है साइन एक्स की पावर वन बाई टू है, yes, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं, सॉरी इंटीग्रेट नहीं हो सकता उसका, ठीक है बेटा? yes, और वो इंटीग्रेशन भी कहां, जीरो से ग्रेटर एंगल पे होगा केवल, लिमिट पे ध्यान रखना है, लिमिट पे ध्यान रखना, यस सर, यस सर, लिमिट पे ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, क्या समझाओ? अब देखो, अब इसमें मुझे ध्यान रखना है कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल के, अब वहां पर एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, कैसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो इस तरह का फॉलो करेगा वैल्यू बी एफ सी और b माइनस a, f c और b माइनस a, अब b माइनस a क्यों, जब ऐसे होगा तो ये a b हो गए अपने, तो यही कहीं होना चाहिए बीच में, यस सर, तो इसके बीच में तो रिजल्ट बनेगा भाई, देखो आप किसी फंक्शन का ये इंटीग्रेशन कर रहे हो ऐसे, ये जो वैल्यू आती है ना वो लगभग इसके बीच में कहीं मिलेगी,
ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकता है उसके, लेकिन एक मीन टाइप का, एवरेज टाइप का बनता है। ठीक है बेटा, और ये जो एफ सी लिखा इन्होंने, देख रहे हो आप? यस सर। तो ये एफ सी है, इस एफ सी को आप कैसे निकाल सकते हो, वन अपॉन बी माइनस ए, और वो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये रहा ना मीन वैल्यू, उसके बीच में कहीं होता है, तो कई बार मीन वैल्यू पूछी जाए अगर फंक्शन की, तो इंटीग्रेशन में उसका रूल कुछ इस टाइप का होता है। ये जनरली याद रखना वेरिएबल फॉर्म्स के लिए, किसके लिए है? वेरिएबल फॉर्म्स के लिए। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट हो, एफ एक्स इक्वल टू टू है, तो टू कितनी बार भी लिखा हो एवरेज टू ही आएगा उसका। Yes, sir. उसका मीन वैल्यू टू ही रहना कॉन्स्टेंट है ना। यस सर। भाई कॉन्स्टेंट है y इक्वल टू टू, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टू बोल दिया मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y इक्वल टू टू पे एक लाइन ड्रॉ हो गई अपनी, तो इसकी तो मीन वैल्यू कहीं पे भी ले लो टू ही रहना है। यस सर। ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट के लिए नहीं, वेरिएबल के लिए ये रूल है अप्लाई होगा, ये जो लिखा हुआ है, लिखा है ये? यस सर। क्लियर है सबको? यस। चलो मैंने ये लाइन हटा दी, एक मिनट, वो एक्सप्लेन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ता है ना कई बार। चलो कोई नहीं, खैर ये तो बड़ी सुविधाएं हैं कि आज टेक्नोलॉजी से हम बड़ी जल्दी से रेस कर लेते हैं, अदरवाइज वो ब्लैक बोर्ड फायदे होते हैं टेक्नोलॉजी के, आगे जाकर के आप और भी बहुत अच्छी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब ये देखते हैं, ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एक फंक्शन है जिसमें एक एक्स भी आया हुआ और एक कॉन्स्टेंट है कोई अल्फा, ठीक है, उसमें जो एक्स की वैल्यू, देखो आप ध्यान से, हालांकि इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, ना के बराबर दैट मीन्स बाई चांस कहीं एक जगह है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद। तो इसमें अब एक मैंने अल्फा को देखा कि वो अल्फा, देखो कांस्टेंट अल्फा बोल रहा हूँ, एक्स वेरिएबल बोल रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट अल्फा है ये भी कोई दो चीजों के बीच का कोई नंबर है। क्लियर? यस सर। जब आप इंटीग्रेटेड फॉर्म ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर ना डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डिफरेंशिएट करके तो वो फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि अभी पीछे पढ़ के आया हूं मैं, याद करो। यस सर। एक नहीं, ये नहीं, हाँ ये रहा ना अपना, देखो ये ये पढ़ा था ना अभी। यस सर। तो ऐसे डिफरेंस, कई बार हम रिवर्स जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, इनवर्स प्रोसेस तो है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का, तो कई बार वापसी जंप भी करना पड़ सकता है कहीं। ओके। यस सर। मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आईआईटी में आए हुए, जिसमें इसको इंटीग्रेट किया गया है और कहीं कहीं डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है जी? यस सर। बाइनोमियल के प्रूफ किसी ने पढ़े हैं, जो एनसीआर वाले प्रूफ होते हैं बाइनोमियल के, वो बहुत जगह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बने, देखना आप बाइनोमियल अपनी पेज की बुकलेट में, लास्ट में जाकर के जो बहुत थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है टिपिकल, उसमें देखना कई जगह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, ठीक है? यस सर। चलो आगे बेटा। यस सर। अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन से मतलब जानते हो, ऐसे ही कहीं हवा में ऊपर है, नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है उसका, नीचे नहीं है वो, ठीक है बेटा, तो उसकी लिमिट की जो वैल्यू होंगी ना, ये भी अपना, ये लिमिट ऐसे है बेटा, वो लिमिट गलत लिखा है, ये भी अपना ग्रेटर देन जीरो होगा, समझ रहे हो? क्या होगा ये? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बेटा। और अगर कोई इनइक्वालिटी ऐसे होल्ड हो रही हो और ए भी पॉजिटिव हो तो ऐसे होल्ड होगी, सही है बेटा? बेटा ये फंक्शन की वैल्यूज जो ना गलत लिखी है उसमें, ये ए से बी ही होता है ना अपना, yes, ऐसे sir. ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, ये लोअर और ये अपर, ठीक है बेटा।
ये अपना लिखने में गड़बड़। चलो कोई नहीं, खैर नीचे वाली चीज ये फंक्शन पे होल्ड हो रही है, ध्यान रखें कि सिचुएशन कि फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो अगर लेस देन सिचुएशन है तो इंटीग्रेशन में भी लेस देन होगा। ओके यस सर। भाई देखो आप निकाल रहे हो एरिया, आपने एक छोटा सा कर्व लिया, एक बड़ा कर्व लिया, एक की लिमिट छोटी ली, एक की बड़ी ली, तो कर्व के हिसाब से एरिया भी तो चेंज होगा, और उसी हिसाब से जैसे एरिया बढ़ा लोगे कर्व बढ़ा लोगे तो एरिया बढ़ा आएगा उसका सेम लिमिट पे। ऐसे समझो, बना के दिखा देता हूं। एक फंक्शन आपका एफ एक्स है ये, और जी एक्स आपका ऊपर है, बड़ा है। अब आप सेम एरिया निकालना चाहो तो देखो ये जो एफ एक्स है उसका एरिया तो ये वाला हुआ, क्या कहते हो, और जी एक्स का एरिया ये वाला होगा बेटा, होगा यस सर। इसमें जो फंक्शन है वो बड़ा है, एफ एक्स छोटा वाला, एक तरह से उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो सेम सिचुएशन भी तो फॉलो करेगा ना इस तरह की अपनी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब एक देखिएगा, आप अगर ए से बी लिमिट जा रहे हैं, लोअर टू अपर, आप एरिया निकाल रहे हैं, तो उस केस में आप चाहे तो एरिया देखो, चाहे तो आप फंक्शन को पॉजिटिव बना के एरिया निकाल लो, चाहे आप एरिया निकाल लो उसका मॉडुलस बना लो, यानी कि नेगेटिव चीजें एलिमिनेट कर दो, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का रिलेशन जो है वो कई बार वो अलग आ सकता है, क्योंकि लिमिट पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है, समझ रहे हो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये एक गामा फंक्शन वाली प्रॉपर्टी आ गई, पहले इसे जरा ध्यान से देख रहे हो? यस सर। उसके बाद इन चीजों पे दिमाग कम लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। और सीधा इस पे विचार बनाओ, अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं उसमें तो आपको याद रहेगा, ठीक है? ये देख लो आप, ठीक है बेटा, बस इसको आप फोकस करो, इसको याद रखना है आपको, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो, अगर गामा फंक्शन में वन आता है तो ये वन जाएगा, लेकिन अगर गामा फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हुए 1/2 टाइप का आ गया तो ये रूट पाई आएगा, बस ये चीज और ये लाइन जो मैंने ये चीज समझाई ये याद रखनी है और एक ये याद रखना है, दो लाइन याद रखनी है, तीसरे पे दिमाग नहीं लगाना, क्लियर है? यस सर। बस ये बॉक्स की चीज पे याद रखना है और इसको याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब ये यूज कैसे होती है, ये बात यूज कैसे होती है वो समझ लिया। ये यूज ऐसे होती है कि आपने ये डिक्रीज करते जा रहे हो ना, माइनस देख रहे हो, ये चीज माइनस कर रहे हो ना, m-1 m-2, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हुए लास्ट में वन आ जाए तो ये वन रह जाएगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करते हुए 1/2 आ गया ना आपका, तो आप वहां पर रूट पाई लगाओ लास्ट। यस सर। बस इतना ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आएगा जब क्लियर हो जाए। सही है? यस सर। आगे चलूं? यस सर। अब जो एक लास्ट पॉइंट है थियोरेटिकल एक तरह से, उसके बाद एग्जांपल आने वाले, इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, कई क्वेश्चन लास्ट में 2-3 लगेंगे इसमें। एक आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपको लिमिट एस सम में भी पढ़ाया गया, देख रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, काफी लॉन्ग वाला है ना? हाँ वो लंबा वाला है, लेकिन वो लंबा तो हमें जाना नहीं है ना, मैं तो इसे समझाऊंगा, बस याद रखो लास्ट वाला बॉक्स याद कर लो, लास्ट बॉक्स बनाया ना मैंने एक नीचे, ये यस
बस इस पे दिमाग लगा लेना। लास्ट में दो क्वेश्चन कराऊंगा जब ये चैप्टर मेरी तरफ से थ्योरेटिकल खत्म होगा, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना तो लास्ट में दो तीन एग्जांपल लगाऊंगा इसी फॉर्मूले पे लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। बस ज्यादा नहीं सोचना, इस बॉक्स वाले को क्लियर कर लो, इस बॉक्स को समझ लो बस। हो गया अपना? यस सर। चलूं आगे? यस सर। चलो देखना। यस सर। चलो एग्जांपल्स आ गए मेरे बच्चों के, अभी छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे पैर आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पांचों पार्ट हैं, जल्दी से लगाओ, फिर उसके बाद मैं इनको डिस्कस करूंगा, तो आपका आंसर हाँ में आना चाहिए कि हाँ हमारा यही आंसर है। चलो पहले से लगाना शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट वाला क्या कहता है वो? आपका इंटीग्रेशन होगा 5x² / 2 और अपना 0 से 3 गेम खत्म। चलो सेकेंड पार्ट, अपने पास आएगा 2x² / 2 + 3x। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। -4 सर। सी पार्ट, अपने पास -cos x होगा। यस सर। और 0 से π/2 लिमिट। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। वन सी पार्ट, x³/3। हाँ ई पार्ट सर, यहाँ पे नीचे वाले को नी ले लो। यस सर। लॉस 3 + 4 sin। हाँ तो ये आएगा 1/4, आ रहा होगा ना 1/4 करके। यस सर। यस सर। यस सर। लॉग 3 + 4 sin। इसके बाद अपनी लिमिट भी लगा ही देते हैं भाई, 0 से π/3 वाली। यस सर। डन। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कभी रिवीजन के टाइम पे जरूरत पड़े तो देख सको। यहाँ वही क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दिया है, लिमिट बदल के। यस सर। ये तो सेम सा ही है। यस सर। यस सर। डन सर। आपको याद है पड़ाव वाला टाइप का बोला था मैंने? सर स्क्रीनशॉट नहीं ली। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया? यस सर। Done. ये जो मॉडुलस वाला होता है, ये x-a की प्रॉपर्टी वाला ध्यान से देख लो, ये हमने वैसे पढ़ा था फंक्शंस वाले चैप्टर में। यस सर। तो ऐसे केस में अपनी ब्रेकिंग हो जाती है, ये x-a नेगेटिव रखना है या x-a पॉजिटिव रखना है, ये डिपेंड करता है a की वैल्यू के अकॉर्डिंग x का चेंज। लेस देन a में माइनस और ग्रेटर देन ए में या इक्वल ए में प्लस। ठीक है बेटा। सर एक बार और बताइए सर। ये जो एक्स माइनस ए है, जब एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब ए से कम होगा एक्स तो नेगेटिव आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? समझ रहे हो? yes, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, मैं दो पार्ट में इसको तोड़ दू, एक ग्रेटर देन ए के लिए, एक लेस देन। Yes, yes. अब ये चीज अगर a माइनस एक्स हो जाए, देखो उल्टी कहानी दे दी यहां तो ये ब्रेकिंग होगी दो जगह पर, एक होगा 0 से 1 वाला और एक जाएगा 1 से 2 वाला पार्ट। अब मुझे ये सोचना है दोनों पार्ट्स के लिए, इनके लिए, कि ये कहां पर नेगेटिव है कहां पर पॉजिटिव। आप यहां अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच रखो, आप 1 - x में यहां वैल्यू रखो x < 1 वाली, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। लेकिन जैसे ही 1 से आपने 2 की तरफ मूव किया, जैसा कि यहां देखिए, नेगेटिव, तो ये बेटा माइनस में आ जाएगा 1 - x।
क्या कहते हो, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है तो? यस सर। तो अब तो इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चों मुझे? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, आगे बढ़ेंगे। डन सर। अच्छा अभी दूसरा पार्ट भी है। इसमें इसमें भी ऐसी लिमिट सोचो, देखो एक ब्रेक कहाँ पे लेने वाले हैं आप, जीरो से टू के बीच। यस सर। यस सर। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जीरो से टू तक मुझे यूज करना है एक्स स्क्वायर। पीस वाइज बोलते हैं ना, को पीस वाइज फंक्शन है ना। प्लस अब आप जा रहे हो टू से थ्री, क्या कहते हो, यही है ना? यस सर। 3x माइनस 4, क्या अब इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी? सर बीच में सर पॉजिटिव चिन्ह आएगा ना सर, प्लस प्लस। सर लिमिट कैसे लिखेंगे? कुछ कह रहे हो बच्चे? नहीं सर, आगे आगे बताऊं दोबारा? नो सर। अच्छा समझ आ गया ना? यस यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो, है ना, ये अपना ए पार्ट, ये अपना बी पार्ट। हो गया? यस सर। यस सर। अब वो क्वेश्चन आ रहा है जीरो से पाई बाई टू टेन वाला आपका, ए प्लस बी माइनस एक्स, याद है अपना, मैंने बोला था क्वेश्चन लगवाऊंगा ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी पे, पाई बाई फोर वाला। ये ए प्लस बी माइनस एक्स करना है इसमें। यस सर। ऐसे ये yeah. तो सबसे पहले तो साइन कोस तोड़ लेंगे। यस सर। साइन कोस तोड़ लेंगे और आई इक्वल टू कंसीडर करेंगे ऐसे। अब ये ध्यान रखना, ये जो ना रूट की जगह पावर भी हो सकती है कुछ, सही है बेटा, 2 पावर 5 पावर 7 पावर 8 पावर ऐसे कुछ भी, कोई परेशानी नहीं है यार, ठीक है? यस सर। अब इसमें a प्लस b माइनस x लगाओगे, ये a प्लस b माइनस x ये वाली प्रॉपर्टी। यस सर। लगा के देखो क्या बनता है, सोचो जरा। ध्यान से लगाना मेरे बच्चों। सर बन जाएगा सर, ऊपर बनेगा सर रूट साइन एक्स और नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये सब फिर दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको आपस में सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। यस सर, आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। आगे चले? यस सर। यस सर। अब कितनों को याद है ये a प्लस बी माइनस एक्स? मैंने फिर कहा था कि ऐसी लुक पे भी ये क्वेश्चन दूंगा मैं। यस सर। देखो लुक वो जो एफ एक्स और एफ ए माइनस एक्स टाइप की थी। yes, आया बेटा कुछ क्लियर से, क्या करना है इसमें? यस सर। सिक्स आ रहा है, तो इक्वेशन बन जाएगी सर, रूट एक्स आई आई करके दो आई हो जाएंगे ना वो। यस सर। फिर अपना दोबारा आई आएगा, ये फाइव ही लिख दूं सीधा फोर प्लस वन की जगह में, है ना? ऐसे। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कट करके वन हो जाएगा अपना। यस सर। फिर ये अपना थ्री आ जाएगा और ये टू आएगा डिवाइड में, थ्री बाई टू आया बेटा। वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है? ऐड किया है सर। हाँ इन्हें ऐड कर दोगे ना, सर ऐड करने से कैसे कटेगा सर? बेटा देखो बेस तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों के। यस सर। तो ऊपर भी तो ऐड करने पे वही बचेगा ना, नीचे वाला है। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर।
फिर वो कट के वन हो जाएगा अपना। डन सर। आगे चले। यस सर। देखो आई इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन तो यही लेके चल दोगे आप। यस सर। और ए माइनस एक्स लगाओ सेकंड प्रॉपर्टी बनाने के लिए। सेकंड log cot x log cot x log cot x log cot x log tan x आया समझ? कुछ नहीं आया। cot x sin upon cos 1 log 1 log 1 to 0 one equation एंड टू इक्वेशन। दो इक्वेशन है मेरे पास, ऐड कर दो। देखो जरा क्या बनता है। सर ये तो जीरो आ रहा है। यस बिल्कुल जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया? Yes, भाई जैसे ही ऐड करोगे ये 2i होगा, जीरो से पाई बाय टू होगा, लॉग में दोनों मल्टीप्लाई। यस सर। साइन अपॉन कॉस ये कट के कौन? वन। और लॉग वन क्या? जीरो। तो रिजल्ट क्या बना भाई? जीरो। ठीक है बेटा। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट। याद करना है प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए वाला गेम है अपना। yes, इसको सोच करके काम बढ़ाना आगे। सर वैसे को हाफ एंगल वाले से करीना है आप? है yes, sir. वो लेफ्ट कर गए थे बीच में। इससे पहले वाला क्वेश्चन करीना ने लगा लिया था। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ठीक है बेटा। अब ये वाले पे डिस्कशन हो रहा है और ये अपना ऐसा गेम है, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इवन फंक्शन प्रॉपर्टी। इवन फंक्शन प्रॉपर्टी लगाई मैंने। ठीक है बेटा। यस सर। आ रहा है समझ बेटा? yes. आगे चले। yes, इसे मैं लिखूंगा जीरो से पाई बाय टू ट्वाइस करके और कॉस स्क्वायर। देखो अभी ध्यान देना cos ये बना अपना क्या मैं दोबारा आई इक्वल टू ट्वाइस करके जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर ना लिख लू ए माइनस एक्स। Yes, sir. और बेटा इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे आपका 2i होगा। yes, sir. और आगे 1 और बेटा ट्वाइस होगा, जीरो से पाई बाय टू होगा और ये 1dx। सर ये साइन स्क्वायर एक्स सर कैसे? बेटा a माइनस एक्स लगाओगे ना यहाँ पे पाई बाय टू माइनस एक्स। a माइनस एक्स मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल में, बहुत जगह मैं कहूंगा a माइनस एक्स लगा दो। yes, तो ये देखो ये आप लगाओगे ऐसे cos स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स तो ये अपना साइन स्क्वायर में चला जाएगा ना मेरे बच्चों। yes, sir. Yes. ऐसे चला जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये वन आ गया। अब ये तो अपना पाई रह गया। yes, sir. और फिर ये टू डिवाइड में जाएगा उधर पाई बाय टू। क्लियर है मेरे बच्चों को? yes.
चले आगे. यस सर. यस सर. एक ये यहाँ पे सॉल्व ही है, मतलब ये सॉल्यूशन अगले पेज पे आना था, यहीं पे दे दिया. चलो इसको लगाओ पहले ध्यान से, देखो सोचो, समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा. वैसे यहां इस पे भी थोड़ा फोकस करना है, मेन लड़ाई वही है इसकी. थ्रोड फंक्शन है ना. हाँ बेटा, कुछ इसमें ओड पावर वाला है तो इसे मैं ब्रेक करूंगा पहले, याद है ना अपना सब्स्टिट्यूशन टाइप का. देखो ध्यान से समझो सर, एक्सप्लेन कर लीजिए सर. नहीं हुआ बेटा? आया समझ में? आ गया सर. ये जो अपना कॉस क्यूब है ना बेटा, इसको हमने लिखा कॉस स्क्वायर इनटू कॉस. यस सर. अब मैं देखता हूँ यहाँ साइन वाली फॉर्म है तो इसे भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऐसे बन जाएगा अपने पास. यस सर. और अब साइन को टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं. यस सर. क्लियर है बेटा? यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. चलो आगे चले. यस सर. चलो इसे और लगाओ जल्दी से. ये बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जीरो से फोर पाई कर लो इसको जरा. ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. पहले तो ये फोर पाई था जैसे, तो ये पाई के साथ ऐसे कर लेते थे हम लोग, याद है मुझे? यस सर. एंटी. अब ये चीज सेम है. लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तरीका सही नहीं है. क्यों? जीरो से टू ए वाला. हाँ अभी तो जीरो से टू ए जा सकता हूँ ना मैं ऐसे. यस सर. यस सर. ऐसे. Yes, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करते थे याद है अपने को? Yes, sir. क्यों? Yes. Yes, sir. तो कैसे करेंगे इसको? क्लियर है सब? क्यों बेटा? यस सर. एक्सप्लेन एक बार सर. इसे आप ब्रेक करो साइन स्क्वायर पावर ऐसे फोर, मतलब टू पावर की पावर फोर लोगे. यस सर. तो साइन स्क्वायर को क्या लिखते थे हम? माइनस कॉस टू एक्स बाई टू. हाँ एक तो ये चीज थी. दूसरा एक तरीका याद है अपने को, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से भी किया था इसको. आई है ना एट पावर वाला था एक. यस सर. तो उस वाले को भी यहाँ लगा सकते हो. ठीक है? यस सर. तो वो ध्यान होगा स्क्रीनशॉट भी लिया होगा आपने, इंडेफिनिट वाला था. यस सर लिया था. तो कई तरीके हो सकते हैं. और ये तो है ही कि अपना अब ये फोर पावर है मान लो. yes, तो पहले इसका स्क्वायर खोल लोगे अंदर ऐसे स्क्वायर. yes, उसके बाद फिर दो, मतलब दो बार ब्रेक करना पड़ता है. ठीक है? यस सर. यस सर. चलो आज क्लास यही ओवर कर रहे हैं.